Audio Jungle. खबर हनुमानगढ़ से है, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष एवं स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सद्भावना सप्ताह के अंतर्गत बुधवार को तलवाड़ा झील के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में नशे के खिलाफ पुलिस प्रशासन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्यूमेंट्री फिल्म, नुक्कड़ नाटक रोशनी के माध्यम से नशे के खिलाफ संदेश दिया गया। साथ ही नशा मुक्ति शिविर का आयोजन कर 92 लोगों को नशा छोड़ने के लिए परामर्श तथा दवाई दी गई। कार्यक्रम में नशे के खिलाफ शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर नथमन डिडेल और जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथि द्वारा माँ सरस्वती की मूर्ति के आगे दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर नथमन डिडेल ने कहा कि हनुमानगढ़ जिले में नशे की बढ़ती लत के कारण ऑपरेशन संजीवनी अभियान चलाना पड़ रहा है। नशा हमारे युवाओं को खत्म कर रहा है, टैलेंट को खत्म कर रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने कहा कि बड़े दुख की बात है, हमें जिले में ऑपरेशन संजीवनी जैसा कार्यक्रम चलाना पड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि हम सबके बीच नशा काफी ज्यादा फैल चुका है। उन्होंने स्लोगन पल भर का नशा जीवन भर की सजा को लेकर कहा कि कोई भी इस नशे का मक्कड़ जाल में फंस जाता है तो कुछ पल के लिए तो मजा, लेकिन जीवन भर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। साथ ही कहा कि भविष्य में ऑपरेशन संजीवनी कार्यक्रम न चलाना पड़े, इसकी जगह ऑपरेशन आनंद, ऑपरेशन मंगल जैसे कार्यक्रम स्कूल कॉलेज में चलाए जाएं। कार्यक्रम में नशे के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म एवं नुक्कड़ नाटक रोशनी के माध्यम से नशे के खिलाफ जन जागृति संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान नशा मुक्ति शिविर भी लगाया गया, जिसका जिला कलेक्टर और एसपी ने निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर और एसपी ने नशा छोड़ने के लिए आए लोगों से बातचीत कर उन्हें नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया। शिविर में 92 लोगों को नशा छोड़ने के लिए परामर्श तथा दवाइयां दी गईं। Audio Jungle.